आरटीओ ऑफिस में बाबुओं की हड़ताल का असर, अधिकारी कर्मचारी भी रहे कार्यालय से नदारद। इन दिनों आरटीओ ऑफिस के बाबू वेतन विसंगति जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो वहीं बाबुओं की हड़ताल के चलते कार्यालय में कार्यरत अन्य अधिकारी कर्मचारी भी ऑफिस से नदारद नजर आ रहे हैं। ऑफिस के सभी कमरों में ताले लटके होने की वजह से पिछले 3 दिनों से ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसे कार्यों के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे में आम आदमी के साथ साथ सरकार को भी काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि महज बाबुओं के हड़ताल पर जाने से शेष कर्मचारियों का यूं अपनी जिम्मेदारियों से भागना कहां तक जायज है। यूनियन हड़ताल कर रही है, प्रांतीय यूनियन के नाम से इनका हड़ताल होती है। आज इनका यूनियन कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। इनका जो यूनियन वो कह रहा है कि हम धरने प्रदर्शन नहीं है। ये किस आधार में, किसके कहने में कैसे हड़ताल में चले जाते हैं, ये समझ के परे बातें हैं। कार्यालय ये कर्मचारी लोग यहाँ हड़ताल पे हैं और हड़ताल के कारण जनता को बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिनका लास्ट लाइसेंस है, लर्निंग है, हैवी है, महिलाओं का है, ये सब खत्म हो रहे हैं, उनकी फीस बर्बाद हो रही है, इसकी जिम्मेदार कौन होगा। कर्मचारी हड़ताल में चले गए, शासन प्रशासन कहते हैं कि हम जनता का सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कैसी सुविधा है ये, शिवराज सिंह की कैसी सुविधा है ये।